फूलों के प्रति हमारा प्रेम तुच्छ लग सकता है, लेकिन यह दुनिया भर में अरबों पाउंड के उद्योग को चलाता है। जबकि नीदरलैंड व्यापार पर हावी है, भूमध्य रेखा पर देश उत्पादकों के रूप में महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। 200 से अधिक वर्षों से कटे हुए फूलों के वैश्विक व्यापार का केंद्र नीदरलैंड रहा है। फूलों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक नीलामी मशहूर एक पब में शुरू हुई। एक व्यापारी अपने साथियों के पास गया और पूछा, कितना? सवाल दुनिया में फूलों के लिए सबसे गतिशील और उच्च संगठित व्यापारिक स्थलों की शुरुआत थी। अब एम्स्टर्डम के पास आल्समीर में रॉयल फ्लोरा हॉलैंड नीलामी घर के रूप में जाना जाता है, जिसमें जीवित फूलों के तने ट्रॉलियों पर घूमते हैं, जिन्हें खरीदा, बेचा और भेजा जाता है, जैसा कि इसने वर्षों से किया है। रॉयल फ्लोरा हॉलैंड अभी भी दुनिया भर से 40% फूलों के आयात और फिर से निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन फूल व्यापार में नए खिलाड़ी उत्पादन की गतिशीलता को बदलते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। जैसे जैसे परिवहन प्रौद्योगिकी विकसित होती है, उप सहारा अफ्रीका सहित अन्य क्षेत्रों में उत्पादक उद्योग पर नीदरलैंड की पारंपरिक पकड़ को चुनौती दे रहे हैं। कटे हुए फूलों के वैश्विक बाजार का पैमाना बड़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार अकेले यूके में कटे हुए फूलों और सजावटी पौधों का बाजार 2018 में 1.3 बिलियन पाउंड का था। इनमें से लगभग 90% फूल आयात किए जाते हैं। विशाल बहुमत अभी भी नीदरलैंड के माध्यम से आ रहा है। 2015 में फूलों का वैश्विक व्यापार 15 बिलियन यूरो के आसपास था, जिसमें सांस लेने की गति के साथ महाद्वीपों के बीच तने बंद हो गए थे। फूलों की दुनिया की मांग को ध्यान में रखते हुए श्रमिकों, किसानों, थोक विक्रेताओं, एयरलाइंस, मालवाहक जहाजों, व्यापारियों, फूलों और सुपरमार्केट की एक जटिल और नाजुक संतुलित आपूर्ति श्रृंखला शामिल है। एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में फूलों के गुच्छे के रूप में, नाजुक के रूप में कुछ को कुचलने या गलने के बिना प्राप्त करना एक कठिन तकनीकी उपलब्धि है। कटे हुए फूलों को कोल्ड चेन का उपयोग करके जल्दी से ले जाना पड़ता है खेतों, लॉरी, विमानों और नावों पर प्रशीतित सुविधाओं की एक श्रृंखला जो फूलों को निष्क्रिय अवस्था में डाल देती है ताकि वे ताजा रहे। इंटरनेशनल फ्लावर ट्रेड एसोसिएशन यूनियन फ्लेयर्स के महासचिव सिल्वी मामियास का कहना है कि यह विमान से जाने पर 24 से 48 घंटों के भीतर खेत से दुकान में तेजी से स्थानांतरण की अनुमति देता है। समय महत्वपूर्ण है। यात्रा में बिताए गए प्रत्येक अतिरिक्त दिन के लिए फूल अपने मूल्य का 15% खो देते हैं। फूलदान जीवन ग्राहक तक पहुंचने के बाद फूलों के ताजा रहने की अवधि तब आमतौर पर 12 से 15 दिन होती है। मामियास कहते हैं, कटे हुए फूलों के सबसे बड़े खरीदार यूरोपीय संघ और अमेरिका है, लेकिन सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक नीदरलैंड, इक्वाडोर, कोलंबिया, केन्या और इथियोपिया है। गुलाब, कार्नेशंस और गुलदाउदी सबसे लोकप्रिय खिलते हैं। ब्रिटिश फ्लोरिस्ट एसोसिएशन के अनुसार यूके में कटे हुए फूलों का 80% नीदरलैंड के माध्यम से आता है। हालांकि एक महत्वपूर्ण अनुपात केन्या में उत्पन्न होता है। कुछ केन्याई फूल नैरोबी से सीधी उड़ानों पर सीधे यूके आते हैं, जहां कुछ हवाई अड्डों पर पूरे टर्मिनल खिलने वाली उड़ानों के लिए समर्पित हैं। अफ्रीका में फूलों के निर्यात में वृद्धि के कारणों में से एक 1970 के दशक से है। मामियास कहते हैं, जब एक तेल संकट ने उत्तरी देशों में ग्रीन हाउस को गर्म करने की लागत में वृद्धि की, नतीजतन उत्पादन दक्षिण की ओर चला गया, जहां पूरे साल कम ऊर्जा इनपुट के साथ फूल उगाए जा सकते थे। यूरोप के लिए इसका मतलब इजराइल और मोरक्को और बाद में पूर्वी अफ्रीका से आयातित फूलों को देखना था, जबकि अमेरिकी खरीदारों ने लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार विकसित किया। इन नए उत्पादकों में तीन चीजें समान थी, ठंडी रातों के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र जिनसे कई फूल लाभान्वित होते हैं, अधिकतम घंटों के लिए भूमध्य रेखा से निकटता और सस्ता श्रम। परिवर्तन का मतलब मौसमी उत्पादन का अंत और 365 दिन एक वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी व्यापार की शुरुआत भी था। केन्या गुलाब के स्रोत के रूप में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यूनियन प्लेयर्स के अनुसार देश यूरोपीय संघ में बेचे जाने वाले सभी गुलाबों का एक तिहाई आपूर्ति करता है। कटे हुए फूल अब चाय के बाद केन्या का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात है, जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1% योगदान देता है। वे देश के रोजगार के सबसे बड़े स्रोत में से एक है, जिसमें 1,00,000 से अधिक लोग सीधे फूल उद्योग में काम करते हैं और अनुमानित रूप से 2 मिलियन अप्रत्यक्ष रूप से। केन्या में तंबूजी फ्लावर फार्म कुल 22 हेक्टेयर में 3 साइटों पर एक वर्ष में लगभग 8 मिलियन फूल उगाता है। माउंट केन्या की बरसात की तलहटी में
स्थित नैरोबी के उत्तर में लगभग 180 किमी उत्तर में समुद्र तल से 1800 मीटर पर यह यूके, हॉलैंड, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन सहित दुनिया भर के 60 देशों को निर्यात करता है। खेत के मालिक मैगी हॉब्स कहते हैं, जिन्होंने 2 दशक पहले कारोबार शुरू किया था। हॉब्स कहते हैं, हम 20 लोगों से बाहर गुलाब उगाने वाले 3 साइटों पर 500 से अधिक लोगों तक प्लास्टिक ग्रीन हाउस के नीचे बढ़ रहे हैं। 30 किमी के दायरे में फार्म सबसे बड़ा नियोक्ता है और व्यवसाय 3000 से अधिक लोगों का समर्थन करता है। एक प्रमाणित फेयर ट्रेड फार्म के रूप में बिक्री मूल्य का 10% श्रमिकों को वापस चला जाता है। तंबूजी 80 फूलों की किस्में उगाता है, लेकिन डेविड ऑस्टिन सुगंधित गुलाबों में माहिर है। यह गर्मियों में जिप्सोफिला और अम्मी के फूल भी उगाता है और गुलदस्ते के लिए भराव जैसे मेहंदी, पुदीना और लेवेंडर। फार्म के एचआर और पर्यावरण प्रबंधक क्रिस्टीन शिकुकू कहते हैं, पैकिंग हाउस से अद्भुत गंध आती है और हमारे ग्रीन हाउस भी ऐसा ही करते हैं। जब मुझे कार्यालय में तनाव होता है तो मैं ग्रीन हाउस में चलता हूँ, यह बहुत चिकित्सीय है। मेरा कोई पसंदीदा फूल नहीं है, वे सभी प्यारे हैं। गुलाब को ब्रीडर से चुना जाता है और खेत पर ट्रायल किया जाता है। शिकुकू कहते हैं, हम देखते हैं कि क्या उनके पास वह सुगंध है जो हमें पसंद है, पंखुड़ियों की संख्या, कीटों और बीमारियों के प्रति उनकी सहनशीलता, उनका रंग और उपज। वाणिज्यिक ग्रीन हाउस में कार्यकर्ता मिट्टी के पीएच और कार्बनिक पदार्थों की निगरानी करते हैं, भूमि को सुखाते हैं, खरपतवार निकालते हैं और गुलाब खिलाते हैं। ड्रिप सिंचाई अपशिष्ट को कम करते हुए सीधे प्रत्येक संयंत्र में पानी पहुंचाती है। पौधों को कीट और बीमारी से बचाने के लिए फूलों का छिड़काव किया जाता है और रेड स्पाइडर माइट्स और थ्रिप्स जैसे कीड़ों को खाने के लिए परभक्षी घुनों को छोड़ा जाता है जो पौधों को खिलाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। सफेद मक्खी जैसे कीटों को पकड़ने के लिए चिपचिपे जाल भी लगाए जाते हैं। 8 सप्ताह के बाद कार्यकर्ता गुलाब के तनों को मोड़ देते हैं ताकि अंकुर फूटने लगे। कमजोर तनों को काट दिया जाता है, केवल सबसे मजबूत को छोड़ दिया जाता है। 20 सप्ताह में उन्हें 67 श्रमिकों द्वारा हाथ से काटा जाता है, जिनमें से सभी महिलाएं हैं। वे तनों को काटते हैं और उन्हें पोषक तत्वों के घोल में डालते हैं। फूल को यह सोचकर धोखा देते हैं कि यह अभी भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यह बढ़ता रहता है। तनों को जल्दी से एक कोल्ड स्टोर में स्थानांतरित कर दिया जाता है और वर्गीकृत होने से पहले 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। पैकिंग हाउस में गुच्छों में सॉर्ट किया जाता है और कोल्ड स्टोर में वापस कर दिया जाता है। अंत में उन्हें एक रेफ्रिजरेटेड लॉरी में नैरोबी के हवाई अड्डे पर ले जाया जाता है। तंबूजू की फसल पूरे वर्ष भर होती है, हर दिन एक ट्रक फूल साइट से निकलते हैं। हालांकि चरम समय पर मदर्स डे, वैलेंटाइन डे और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह दोगुना हो सकता है। शिकुकू कहते हैं, फसल से लेकर यूके में अंतिम ग्राहक तक इस प्रक्रिया में 3 से 4 दिन लगते हैं। तंबूजू के सावधानी पूर्वक प्रबंधन के बावजूद खेत बढ़ती चुनौतियों का सामना कर रहा है। शिकुकू का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि गतिविधियों की योजना बनाना कठिन होता जा रहा है। पिछले साल हमारे पास बाढ़ आई थी जो मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखी। फिर जब सूखा पड़ता है तो यह चरम होता है, यह हर साल खराब होता जा रहा है। इससे निपटने में मदद करने के लिए खेत वर्षा जल का संचयन करता है, सौर पैनल स्थापित करता है और इसके कुछ उत्पादन को घर के अंदर ले जाता है ताकि यह बढ़ते पर्यावरण को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सके। तांबुजी में 55% कर्मचारी महिलाएं हैं। फार्म में पार्टनरशिप ऑफिसर केल्विन नगारी कहते हैं, फेयर ट्रेड फाउंडेशन के साथ काम करते हुए फार्म सक्रिय रूप से अधिक महिलाओं को नेतृत्व की भूमिकाओं में बढ़ावा दे रहा है। हमने देखा है कि महिलाएं हार्वेस्टर से प्रबंधकों तक उठती हैं। 4 देश केन्या, इथियोपिया, इक्वाडोर और तंजानिया प्रमाणित फेयर ट्रेड फूल उत्पादन का 98% हिस्सा है। दुनिया के 67 प्रमाणित फेयर ट्रेड फूल संगठनों में से 39 के साथ केन्या सबसे बड़ा अनुपात बनाता है। इनमें लगभग 30,500 लोग शामिल हैं। देश के सभी फूल श्रमिकों का लगभग 30% फेयर ट्रेड फाउंडेशन के अनुसार फेयर ट्रेड फूल प्रीमियम केन्याई फूल श्रमिकों और उनके समुदायों के लिए एक वर्ष में लगभग 6 मिलियन पौंड उत्पन्न करता है। श्रमिक सामूहिक रूप से तय करते हैं कि पैसा कैसे खर्च किया जाए। यह सीधे उनके और उनके परिवारों या शिक्षा और आवास जैसी सामुदायिक सेवाओं के लिए जा सकता है। प्रीमियम बहुत आवश्यक ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए समर्पित चिकित्सा सेवाओं की ओर भी जा सकता है। कुछ फार्म और भी आगे बढ़ते हैं और श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए अस्पताल सेवाएं निःशुल्क प्रदान करते हैं और शेष स्थानीय आबादी के लिए रियायती देखभाल प्रदान करते हैं।
हाल के वर्षों में पूर्वी अफ्रीका में फूल उद्योग के तेजी से विकास ने घरेलू आर्थिक विकास, निवेश में वृद्धि और नौकरी के अवसर प्रदान किए हैं। फेयर ट्रेड फाउंडेशन में फूल आपूर्ति श्रृंखला और कार्यक्रम प्रबंधक अन्ना बारकर कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग कम वेतन और खराब काम करने की स्थिति से पीड़ित हैं। जब हम यूके में फेयर ट्रेड फूलों का एक गुच्छा चुनते हैं तो उनके पीछे के कार्यकर्ता सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों से लाभान्वित होते हैं और परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचने में सक्षम होते हैं। यूके सरकार के आंकड़ों के अनुसार फेयर ट्रेड फूलों का यूके बाजार लगभग 21 मिलियन पाउंड का है। देश के कुल फूल और पौधों के बाजार का लगभग 2%। वैश्विक स्तर पर बाजार बढ़ रहा है, फेयर ट्रेड फाउंडेशन का कहना है। 2016 में 15 देशों में 829 मिलियन फेयर ट्रेड फूल के तने बेचे गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5% अधिक है, और यह 2017 में बढ़कर 834 मिलियन हो गया। हालांकि यह 2016 में फेयर ट्रेड श्रमिकों द्वारा उगाए गए 3.8 बिलियन फूलों का केवल 20-30% था, बाकी गैर फेयर ट्रेड बाजार में चले गए, क्योंकि मांग अभी तक काफी बड़ी नहीं है, जिसका अर्थ है कि श्रमिकों को उन फूलों के लिए अतिरिक्त पैसा नहीं मिला। फेयर ट्रेड प्रीमियम से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए उपभोक्ता मांग और फेयर ट्रेड फूलों की सोर्सिंग करने वाले अधिक व्यवसायों के संयोजन के माध्यम से बिक्री में वृद्धि की आवश्यकता होगी। नैरोबी के जोमो केन्याटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फूलों की विश्व मांग इतनी अधिक हो गई है कि इसके पास एक समर्पित फूल टर्मिनल है। तंबूसी के फूल हवाई अड्डे तक सड़क मार्ग से 180 किमी की यात्रा करते हैं। एक बोइंग 747-90 टन फूल ले जा सकता है। धीमे सप्ताह में यात्रियों से लदी लगभग 30 उड़ानें और फूलों से भरा एक होल्ड हवाई अड्डे से प्रस्थान करेगा, लेकिन वैलेंटाइन डे से पहले यह आंकड़ा 100 तक पहुंच सकता है। पिछले कुछ वर्षों में सीधी उड़ानों की शुरुआत के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ब्रिटेन और चीन जैसे देशों के बीच व्यापार संबंधों में प्रमुख विकास हुआ है। हजारों मील उड़ने वाले फूल निस्संदेह उन्हें कम दूरी तक ले जाने की तुलना में अधिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, लेकिन भूमध्य रेखा पर होने का मतलब है कि फूलों के खेत स्वयं कम ऊर्जा गहन हो सकते हैं। यूनियन फ्लेयर्स के सिल्वी मामियास कहते हैं, आपको अपने ग्रीन हाउस को गर्म करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सूरज का अधिक जोखिम है। यूरोप में बढ़ते फूलों की तुलना में ऊर्जा का उपयोग बहुत कम होगा। इस कारण से फेयर ट्रेड फाउंडेशन द्वारा कमीशन किए गए शोध के अनुसार केन्या में उगाए गए और यूरोप में बेचे जाने वाले गुलाब नीदरलैंड में उठाए गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की तुलना में 5.5 गुना कम ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का उत्पादन करते हैं, यहाँ तक कि हवाई परिवहन को भी ध्यान में रखते हुए। आगे क्या होता है जब फूल अपने गंतव्य तक पहुँचते हैं, जगह जगह अलग अलग होते हैं। ममियास कहते हैं, यूरोप में यूके ही एकमात्र ऐसा देश है जहां अधिकांश फूल सुपरमार्केट में खरीदे जाते हैं। महाद्वीप पर ज्यादातर लोग फूल बेचने वालों के पास जाते हैं। इसका मतलब है कि यूके पहुंचने वाले फूलों के लिए आपूर्ति श्रृंखला अक्सर छोटी होती है, क्योंकि सुपरमार्केट सीधे आपूर्तिकर्ताओं से खरीदते हैं, बिचौलियों को काटते हैं और लागत कम करते हैं। कभी कभी उन्हें दुनिया भर के फूलों को मिलाकर अपने गुलदस्ते को एक साथ रखने के लिए यूके में एक थोक व्यापारी मिल सकता है। दूसरी ओर विशेषज्ञ फूल विक्रेता अक्सर थोक विक्रेताओं से खरीदते हैं या लंदन में न्यू कोवेंट गार्डन फ्लावर मार्केट जाते हैं, जो ज्यादातर नीदरलैंड के माध्यम से अपने फूल प्राप्त करता है। व्यवसाय में सबसे अधिक मांग वाले फूल विक्रेता साइमन लाइकेट है, जो दक्षिण लंदन में रहते हैं। लाइकेट अपनी सपनों जैसी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं और प्रिंस ऑफ वेल्स और डचेस ऑफ कॉर्नवाल की शादी के लिए फूल वाले थे। उन्होंने हैम्पटन कोर्ट पैलेस, रॉयल ओपेरा हाउस, सेंट पॉल कैथेड्रल और केंसिंगटन पैलेस के लिए फूलों की व्यवस्था की है। उनके द्वारा खरीदे जाने वाले गुलाब का लगभग 10% केन्या से आता है, जिसमें डेविड ऑस्टिन किस्म भी शामिल है, जिसमें तंबूजी माहिर हैं। केन्या के गुलाब बड़े बहुपंखुड़ियों और कामुक हैं। लाइकेट कहते हैं, सुगंध असाधारण है। यदि कोई ग्राहक अपनी नानी के बगीचे में वापस ले जाना चाहता है तो उन्हें तुरंत गंध द्वारा ले जाया जाता है। उनकी टीम हर दिन न्यू कोवेंट गार्डन फ्लावर मार्केट से खरीदारी करती है। गुलाब कार्डबोर्ड स्लीव्स में पैक होकर आते हैं और लाइकेट और उनकी टीम ने तनों को फिर से काट दिया, पत्तियों को अलग कर दिया और फूलों को ठंडे पानी में डाल दिया। एक विशिष्ट शादी जिस पर लाइकेट काम करता है 20,000 गुलाबों का उपयोग करता है, लेकिन वह हाइड्रेंजस, चपरासी और ऑर्किड सहित सैकड़ों विभिन्न प्रकार के फूल खरीदता है। हर ग्राहक कहेंगे कि वे चाहते हैं कि यह सही दिखे। यह प्रभाव सुगंध, बहुतायत और पूर्णता के बारे में है।
लाइसेट कहते हैं। केन्या जैसे विकासशील देशों के लिए कटे हुए फूल उद्योग बहुत आवश्यक रोजगार और अवसर लेकर आया है और यह उनके आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। केन्या में फूलों के निर्यात से लगभग 4% आबादी की आय होती है, जबकि दक्षिण अमेरिका में व्यापार कोलंबिया और इक्वाडोर में रोजगार का एक प्रमुख स्रोत है, लेकिन अभी भी कई चुनौतियां हैं। एक कम वेतन सहित खराब कामकाजी परिस्थितियों के लिए उद्योग की प्रतिष्ठा है, लेकिन हाल के वर्षों में कई देशों में श्रमिकों के लिए स्थितियों में काफी सुधार हुआ है। फेयर ट्रेड फाउंडेशन का कहना है, एक और जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंता है। तंबूसी जैसे खेतों में घटते और कम अनुमानित जल संसाधनों का उपयोग करने के बेहतर तरीके खोजने की कोशिश की जा रही है। एक खेत से उपभोक्ता तक की यात्रा एक कटे हुए फूल की तरह नाजुक चीज के लिए एक लंबी और जटिल यात्रा है। एक खिलने के लिए इसके मूल्य को बनाए रखने के लिए इसे इन हजारों मील की दूरी को बरकरार रखना चाहिए और दोष मुक्त होना चाहिए। वर्षों से फूलों को ताजा और उत्तम दिखने के लिए तकनीकी समाधानों को एक ललित कला के लिए सम्मानित किया गया है। अगला बड़ा कदम यह सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से मजबूत सामाजिक और पर्यावरणीय समाधान खोजना होगा कि व्यापार वास्तव में निष्पक्ष और टिकाऊ हो। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।